सलाम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इमरान बेग है। बहुत बढ़िया दोस्त, मैं एमडी परवेज और मैं जिला गोपाल है, बिहार से बिलोंग करता हूं। और आपकी मथुरा जो उनका कंप्लेंट हेड भी सी प्लस सेंटर हेड, बाकी आपका यहां पर क्या लक्ष्य है थोड़ा हमको बताइए। सर मेरा लक्ष्य है इस महीने मुझे ईडी बनना है जी, और मैं लास्ट दिसंबर तक मुझे 15 लाख रुपए वाला लक्ष्य लेना है, जबरदस्ती लेना इस कालविद कंपनी से, बिजनेस से। वाह क्या जबरदस्ती मुझे लेना है, लेके रहूंगा मैं। उसके लिए 4 लेख आपको ईडी बनाना पड़ेगा 3 महीने में। मैं 3 महीने के अंदर अंदर, हो सकता है मैं 2 महीने के अंदर अंदर 4 लेख ईडी बना दूंगा। क्या बात है जुड़ा सर, बहुत बढ़िया। और बाकी मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ, और मैं 17-18 साल नौकरी आर्मी से करके आया हूँ, रिटायरमेंट हूँ मैं, और 5-6 महीने मुझे हो गए रिटायरमेंट हुए, और ये बढ़ती मेरे तो मरते दम तक लागू है, कभी भी मुझे फौज में बुलाया जा सकता है। क्या बात है, मैं उसके लिए तत्पर सेवा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मेरे तन और वतन में ये वर्दी रहेगी। क्या बात है। अच्छा एक बात और बताइए, अगर कहीं बाहर वाला बोल दे आपको कि आपको गलत जगह चले गए हैं तो? नहीं, वो उसकी गलत फहमी है, उसकी वो सोचने की जो क्षमता है वो उसकी गलत सोच है। अगर वो मुझे गलत सोचता है उसकी खुद की गलत, अगर मैं उसको तरीके से समझाता हूँ वो उसके लिए अच्छा ही है, अगर वो समझना चाहता है उसके लिए महान अच्छाई है। अगर जो भी आदमी ऐसी संस्था में नहीं जुड़ पाया और जो काम नहीं कर पाया वो कहीं भी नहीं कर पाएगा काम, किसी भी संस्था में जाइए। मैं आर्मी से 17-18 साल नौकरी करके आया हूँ, मुझे इतना जो परफेक्ट प्लेटफॉर्म मिला है वो मुझे कहीं पर नहीं मिला, और मैं इसमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ बनना है। जब मैं राम बन के आया हूँ, राम की भी पूजा होती है 2 बार, लेकिन मैं उस राम से भी बढ़कर बजाज बनने की तमन्ना रखता हूँ, रखना चाहता हूँ बिल्कुल तरीके से जो बनना है। जैसे मैंने आज से 18 साल पहले मैंने आर्मी की 1 साल ट्रेनिंग की, मेरा पुट्ठे पूरे काले हो गए, और इतना बुरा हाल जो कि इस संस्था में जो न्यू जनरेशन अगर नहीं जुड़ पाई और नहीं काम कर पाई तो फिर कहीं भी नहीं कर सकती है इस संस्था के अलावा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूं, कहीं भी नहीं। इतना सक्सेस कामयाब है, जब हम भर्ती हुए तो मेरी माँ 3,000 रुपये पेमेंट थी, आज ठीक है मैं उससे करके आ गया, लेकिन इसमें तो मेरी तो पेमेंट क्या, मैं तो आज से ज़्यादा 5-6 महीने के अंदर लाखों कमाऊँगा, लाखों से भी ऊपर ज्यादा। तो वो संस्था से मुझे यहाँ आने में मुझे बेस्ट फायदा जी। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस जगह का आरटीडी जीडीडी बन जा रहे हैं, बाई द वे किसी कारणवश भगवान ना करे अगर हम लोग दुनिया छोड़ के जा रहे हैं तो ये लेवल एक विरासत में छोड़ के जाएंगे। यस सर, जो कि पैसा आता रहेगा। इससे एक चीज मुझे और जानकारी मिली है सर कि जैसे अगर मेरे साथ में कुछ हो जाता है किसी कारणवश, तो मेरी फैमिली जितनी मेरी पेमेंट है उतनी जो पेमेंट टेंशन के तौर पे मेरी फैमिली को मिलेगा। उसके अलावा मुझे एक और जानकारी इसमें मिली है, जैसे अगर मेरे साथ में कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चा जैसे 18 साल का हो जाएगा, उसी रैंक से उसी पेमेंट से मेरा बच्चा ज्वाइन करेगा। आप डीडी रहेंगे तो बच्चा डीडी बन जाएगा। हाँ, उससे बेस्ट क्या चीज हो सकती है, इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया कुछ नहीं समझते हैं। अगर इस प्लेटफॉर्म में आदमी अगर नहीं कर रहा है कुछ काम करने के लिए तो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी समझते हैं, और मैं तो बिल्कुल ऐसे आदमी को गाली देने के लिए बिल्कुल तत्पर सेवा हूँ। अगर ऐसा आदमी मुझे इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के जाता है तो मैं बिल्कुल तरीके से मैं बिल्कुल झंडा गाड़ दूंगा, और उसके आगे पीछे मैं उसकी तरीके से धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। फोटी सेवा लेके तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, खूब तय करते हैं मंजिल अपनी अरमानों की, जो रखता है आपका लाखों की टीम बनाने की वो परवाह नहीं करता 2-4 10 नामर्दों के चले जाने की। यस सर, कैसे लगा लो आग जब तक ना हो वो गेंद पे जरा हमारा भी दिख रहा है यार, ठीक है। अरे बस काट दो, बस काट करिए बंद।